हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज फॉर क्लास 7। टुडे वी आर गोइंग टू टेक रिवीजन ऑफ फाइबर टू फैब्रिक्स। ओके, दिस बिलोंग्स टू केमिस्ट्री यूनिट 1। देर आर 3 लेसन्स इन इट: फाइबर टू फैब्रिक्स, केमिकल्स एंड चेंजेस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन फाइबर टू फैब्रिक्स। ये लेसन हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, है ना? फाइबर टू फैब्रिक ये लेसन जो है हमने क्या किया है, पढ़ा है। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, लीड की जो बुक है हमारी टेक्स्ट बुक, उसमें से इसका रिवीजन करने वाले हैं। ओके, तो इसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है हम साथ साथ सॉल्व करेंगे। नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी फाइबर टू फैब्रिक के नोट्स क्या किए हैं, निकाले हैं। ठीक है, जो नए होंगे स्टूडेंट्स वो इसमें से नोट्स क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद कंसेप्ट टाइम 1। सी, वुल, व्हाट इज वुल? इट इज ए फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस और हेयर ऑफ एनिमल लाइक शीप, गोट एंड कैमल। यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, फ्लीस। फ्लीस का मतलब क्या है? फ्लीस मीन्स जो हेयर्स होते हैं कहाँ पे, एनिमल बॉडी के ऊपर जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वी कॉल देम एज फ्लीस। उन्हें क्या बोलते हैं हम? फ्लीस बोलते हैं। वुल ये जो फाइबर है, वुल ये फाइबर कैसे बनता है? इट इज़ मेड अप ऑफ फ्लीस और हेयर ऑफ एनिमल्स। कौन कौन से एनिमल्स? नाम ध्यान में रखना, शेप, गोट एंड कैमल्स। इन एनिमल्स से ये क्या मिलते हैं हमें? वुल, ये फाइबर मिलता है। सिंस इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम हेयर, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। हेयर से बना हुआ है वुल, मतलब हेयर्स, अपने बॉडी के हेयर्स कैसे बने हुए होते हैं? प्रोटीन से बने हुए होते हैं, है ना? सो वुल इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ वॉट? प्रोटीन। ओके, अभी वुल हमें बहुत क्या है, हमें पॉपुलर है या फेमस है, या हम वुल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ सम प्रॉपर्टीज ऑफ इट। ओके, लेट अस सी व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ वुल। सबसे पहली प्रॉपर्टी है वुल की, इट इज़ ए नेचुरल बायोडिग्रेडेबल फैब्रिक विच इज सॉफ्ट टू टच। ओके, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और प्रॉपर्टीज ऑफ वुल? पहला तो ये नेचर से मिलता है, इट इज़ नेचुरल, इट इज़ बायोडिग्रेडेबल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल? इट मीन्स दैट इट कैन बी डिकम्पोज। ये जो है नेचर में इसका क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। ओके, एंड इट इज़ सॉफ्ट टू टच। अगर आप वुलन क्लोथ को टच करते हो तो वो हमें हाथ को कैसे लगता है? दे आर सॉफ्ट इन टचिंग। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, द फाइबर्स ऑफ वुल ट्रैप एयर विद इन देयर गैप्स। ये जो वुलन फाइबर है उनमें बहुत सारी एयर गैप्स प्रेजेंट होती हैं, और ये गैप के अंदर वो क्या करते हैं, हीट को, सॉरी एयर को ट्रैप करते हैं। एयर इज ए इंसुलेटर ऑफ हीट, जिसके वजह से इट हेल्प इन कीपिंग द वियरर वार्म एज एयर डज नॉट कंडक्ट हीट वेल। एयर में से हीट इजीली कंडक्ट नहीं होती है। ओके, इट इज़ इंसुलेटर ऑफ हीट, यू कैन से दैट एयर इज इंसुलेटर ऑफ हीट, एंड बिकॉज ऑफ विच वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ अ फायर रेजिस्टेंट मटेरियल। जो नेचुरल फाइबर है वुल, ये क्या है? फायर रेजिस्टेंट मटेरियल, मतलब इट डज नॉट मेल और स्टिक टू द स्किन व्हेन बर्न्स, इट लीव्स एन ऐश। जब वुल बर्न होता है ना तो उससे ऐश, राख फॉर्म होती है। इट ऑल्सो स्टॉप्स बर्निंग वंस द सोर्स ऑफ फायर इज टेकन अवे। व्हेन वुल बर्न्स इट स्मेल्स लाइक बर्निंग हेयर। बाल जलने की कैसी स्मेल आती है? वैसी स्मेल आती है, क्योंकि बालों से ही तो बना हुआ होता है ना वुल। तो जब वुल बर्न होता है तो बाल जलने जैसी स्मेल उससे आती है। ओके, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ वुल। ओके, आपके नोटबुक में अगर आपने वुल, हमने इतना डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक्स उसके देखे नहीं होंगे पहले सपोज, तो ये आपको क्या करने हैं, नोटबुक के अंदर लिखने हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वुल, इट इज़ नेचुरल, बायोडिग्रेडेबल एंड सॉफ्ट टू टच। इट कीप अस वार्म, हाउ? बिकॉज इट ट्रैप एयर विद इन इट्स गैप्स, एयर इज इंसुलेटर ऑफ हीट, therefore it keeps us warm. It is a fire resistance material and when it burns it smells like burning hair. Okay, these are properties of wool.
ये देखो बुल दिखाई दिया है ना, ये बुल है। बुल से ये इंसान क्या करता है, उसका यूज कर रहा है ना। उसके बाद में ये देखो दूसरी डायग्राम में, वुलन क्लोथ्स के जो फाइबर से फाइबर के बीच में जो गैप है, ये गैप में क्या प्रेजेंट होता है, एयर प्रेजेंट होती है। एयर ये क्या करता है, ट्रैप करता है, ठीक है। डू यू नो दैट सिंथेटिक फाइबर्स लाइक नायलॉन एंड पॉलिस्टर, अब ये दोनों देखो नायलॉन और पॉलिस्टर ये सिंथेटिक फाइबर है, नेचर में नहीं पाए जाते, इनको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है और ये मेल्ट होते हैं। जैसे प्लास्टिक को बर्न करो तो प्लास्टिक कैसे मेल्ट होता है, वैसे ये फाइबर्स भी मेल्ट होते हैं। ये फाइबर्स एक्चुअली दे आर ए टाइप ऑफ प्लास्टिक। इफ क्लोथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक मटेरियल वेयर टू कैच फायर, दे वुड स्टिक टू द बॉडी एंड कंटिन्यू टू बर्न इवन आफ्टर द सोर्स ऑफ हीट इज टेकन अवे, कॉजिंग मोर हार्म। जो किचन में होते हैं ना, किचन में आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि नायलॉन के क्लोथ्स किचन में प्रिफर नहीं करते, क्यों, क्योंकि उनको बहुत इजीली वो क्या करते हैं, फायर को कैच करते हैं। और इसकी एक सबसे बुरी बात ये है कि ये मेल्ट होते हैं बर्न होने पे और ये आपकी स्किन को चिपके रहेंगे, जिसके वजह से ज़्यादा आपकी स्किन ज़्यादा बर्न करेंगे, ज़्यादा सिवियरली बर्न होगा। सो दैट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग नायलॉन एंड पॉलिस्टर। अगर आप कोई नेचुरल फाइबर यूज़ करते हो तो उसमें ये जो चांस है वो कैसे होता है, कम होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट वुल। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ द एनिमल्स दैट यील्ड वुल। यहाँ पे देखो थ्री एनिमल्स आपको दिए गए हैं, पहला है शिप, दूसरा कश्मीर गोट और तीसरा एंगोरा गोट। ओके, ये दो जो है कश्मीर गोट एंड एंगोरा गोट, ये गोट्स है। और पहला जो एनिमल है दैट इज शिप। शिप कहाँ पे मिलता है, देखो चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शिप इन द वर्ल्ड। दे आर रियर्ड, रियरिंग मतलब उनको पालना। ओके, दे आर रियर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कश्मीर गोट दे आर फाउंड इन इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर, नेपाल, भूटान एंड चाइना। एंगोरा गोट दे आर फाउंड इन इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर, तुर्की एंड साउथ अफ्रीका। सी अभी टाइप्स ऑफ वूल कैसे रहता है इसका। शिप का वूल जो है दैट इज कॉल्ड एज लैम्स वूल एंड मेरिनो, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल फ्रॉम शिप। शिप से जो बेस्ट क्वालिटी का वूल मिलता है, उनकी दो क्वालिटीज मतलब दो टाइप्स दी हैं, लैम्स वूल एंड मेरिनो। जो वूल आपको कश्मीरी गोट से मिलता है दैट इज कश्मीरी वुल, और जो इससे मिलता है एंगोरा गोट से, उसे बोला जाता है मोहेर। ओके, वुल यूज्ड इन शिप का वुल यूज किया जाता है क्लॉथिंग, पर्सेस एंड कारपेट्स मेकिंग। कश्मीरी गोट फाइन क्लॉथिंग, पश्मीना शॉल बहुत फेमस है पता है कश्मीर की, दे आर मेड फ्रॉम कश्मीरी वुल। एंड एंगोरा गोट वुल इट इज़ यूज इन क्लॉथिंग एंड होम फर्निशिंग। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल्स, बैक्ट्रियन कैमल। ये देखो इसकी खासियत, इसके बॉडी पे दो हम्प है, दिख रहे हैं आपको, नॉर्मल ऊंट की बॉडी के ऊपर सिर्फ एक ही हम्प प्रेजेंट होता है, इसकी बॉडी पे देखो दो हम्प्स है। दे आर फाउंड इन मंगोलिया, चाइना, ईरान एंड अफगानिस्तान। Type of wool is camel wool and it is used in making sweaters and carpets. Yak, it is found in Himalayas in India, Nepal, China and Bhutan. And type of wool, it is called as yak wool. It is used in making sweaters, carpet, tents and rope. Angora rabbit, देखो rabbit तो दिख ही नहीं रहा है ना? कितने बाल है उसकी body के ऊपर? This is found in India, हिमाचल प्रदेश, तुर्की, फ्रांस, चाइना एंड जर्मनी। टाइप ऑफ वुल एंगोरा वुल, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स एंड सॉक्स। ओके, सो दीज आर वेराइटी ऑफ एनिमल्स विच आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ वुल। ओके, कितने हैं टोटल, छः हमने देखे, एक शीप है कश्मीर शीप, एंगोरा गोट, देन बैक्ट्रियन कैमल, याक एंड एंगोरा रैबिट। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी यहाँ पे और है तीन, लैमा, अल्पाका आणि विक्यूना। ओके, दीज आर ऑल्सो थ्री एनिमल्स विच आर यूज फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग वुल।
Llama, it is found in South America, especially in Peru. The wool is called as llama fleece. It is used in making clothes. Alpaca, it is found in Peru, Bolivia and in South America. And the type of wool is alpaca fleece. It is used for making clothes. Vicuna, it is used, it is found in Peru and Argentina in South America. And types of wool, it is vicuna wool is the finest and the most expensive wool in the world. It is one of the rarest kind. Sabse rare wool aur sabse zyada mehenga bhi vicuna, okay? And it is used in making clothes. Clothes banane mein iska kya hota hai? Use hota hai. Okay? Let us move to the next page. प्रैक्टिस क्वेश्चन वन. अभी यहाँ पे देखो, यू सॉ द बर्निंग ऑफ कॉटन वूल नाइलॉन फैब्रिक इन द क्लास. अभी इमेजिन, अभी ये हमने एक्टिविटी की नहीं है, है ना, लेकिन हमने जो पढ़ाई की उसके बेसिस के ऊपर हम इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे. नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल बिलो. कॉटन फैब्रिक, नाइलॉन फैब्रिक, वुलन फैब्रिक. Did it continue to burn after moving it away from the flame? Flame से दूर लेके जाने के बाद में ये जले क्या? Cotton fabric नहीं जलता है, woolen fabric भी नहीं जलता है, nylon fabric yes, ये जलता है. Did it leave any ash? Cotton fabric yes, nylon fabric no, woolen fabric yes. What kind of smell is produced? Cotton को अगर जलाओगे आप तो धुएं जैसा स्मोक की स्मेल आती है. नायलॉन को प्लास्टिक बर्न करने जैसी स्मेल आती है और वुलन फैब्रिक को बाल जलने जैसी स्मेल आती है. डिड इट मेल्ट वाइल बर्निंग? कॉटन नो, नायलॉन यस, वुलन नो. ओके, नेक्स्ट है कंक्लूजन. नेचुरल फाइबर सच एज कॉटन एंड वुल आर व्हाट? Biodegradable, whereas synthetic fibers such as nylon are non-biodegradable. Okay? दूसरा यहाँ पे non flammable और flammable भी लिख सकते हो आप, burning से related है तो. ठीक है, next fill in the blanks. जो अभी हमने animals के नाम देखे हैं ना और उनसे मिलने वाला fiber या जितना हमने question answers आज जितना एक्सप्लेनेशन हमने आज देखा है वो वहाँ सभी से आपको इस क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे 1.2 फिल इन द ब्लैंक्स के. ठीक है, सॉल्व करो, बाकी का जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.